नमस्कार, आज मैं पीनट बटर बनाऊंगी। इसको आप बहुत आसानी से 2 या 3 इंग्रेडिएंट से और बहुत कम खर्च में इसको घर पर बना पाएंगे। और ये पीनट बटर जो है बच्चे को बहुत पसंद आता है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया है 250 ग्राम और इसको इस तरीके से आपको भूनना है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए उसी तरीके से आपको भूनना है। उसके बाद छिलका निकाल लिया है मैंने इसका। एक ग्राइंडर जार लेना है और इसमें हाँ भुनी हुई जो मूंगफली था इसको हम डाल देंगे। तो जो आप मूंगफली भून रहे हैं उसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश होना चाहिए, तभी आपका पीनट बटर का जो कलर है अच्छा आएगा। तो एक बार इसको चला लेना है, देखिए थोड़ा दरदरा पीस गया है। इसके बाद फिर से इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घुमाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमें पीसना है 2 से 3 मिनट तक। तो थोड़ा तेल छोड़ने लगा है मूँगफली में से, तो अभी भी ये तैयार नहीं है। तो फिर से हम इसको चलाएंगे एक बार। तो उसको चलाने से पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। आप चाहे तो बिना चीनी का भी बना सकते हैं। और इसमें हम तेल कम लग रहा है तो इसमें जो मूंगफली का तेल है इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पीनट का ऑयल नहीं है, ग्राउंडनट ऑयल नहीं है, तो सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल 1/2 चम्मच ही डालें। तो अभी मैंने फिर से दोबारा ग्राइंड कर लिया है तो ये अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी इसका बहुत अच्छा हो गया है। देखिए इसको आप कोई भी ग्लास का जो जार होता है, ग्लास का बॉटल होता है, उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए कितना कम खर्च में हमारा पीनट बटर जो है रेडी हो गया है। तो इसको आप ब्रेड, रोटी, पराठा किसी के साथ भी बच्चे को दे सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये कोई भी ब्रांड है तो इसका बाहर से मार्केट से लाई हूँ। ये है 50 या 55 रुपीज़ है और ओनली 100 ग्राम इसका नेट क्वांटिटी है। देखिए 100 ग्राम लिखा है, 100 ग्राम को 55 रुपीज़ इसका प्राइस है। आप घर पर बनाएंगे तो आपको ग्राउंडनट जो है लगभग 100 रुपये केजी में मिल जाता है। तो आप 100 रुपये में ही 1 किलो तक बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें।